शिक्षक दिन पर आज का विशेष विषय विशे ऑनलाइन शिक्षण दौरान शिक्षक की भूमिका के बारे में आज हम बात करेंगे एक अच्छे शिक्षक हमेशा मोमबत्ती की तरह होते हैं जो खुद को पिघलाकर दूसरों की जिंदगी को रोशन करते हैं आज का यह दिन जिनके नाम पर समर्पित है वो है डॉक्टर राधा कृष्णन जी हाँ दोस्तों पाँच सितंबर अठारह अठारह को तमिलनाडु के तिरुताने गांव में उनका जन्म हुआ था उनका परिवार बहुत ही गरीब था लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से की और वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने इसके साथ साथ वह एक कुशल और अच्छे शिक्षक भी थे इन्हीं के सम्मान में हम लोग हर साल शिक्षक दिन मनाते हैं यह दिन शिक्षक और छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक और छात्र का संबंध बहुत ही निराला होता है क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो हमें चौराहे पर सही मार्ग दिखाता है और उसके साथ ही वह दंड पुरस्कार स्नेह प्रेम रूपी शस्त्रों का उपयोग करके हमें निखारता है हर किसी की सफलता की नीव में एक शिक्षक की भूमिका अवश्य होती है बिना प्रेरणा के किसी भी ऊंचाई तक पहुंचना असंभव है लेकिन आज की कोरोना की महामारी के बीच छात्रों का अध्यापन कार्य ऑनलाइन हो गया है ऐसे समय में छात्रों को पढ़ाना शिक्षक के लिए एक पड़कार समान है नई टेक्नोलॉजी खुद सीखकर बच्चों को रसपूर्वक अध्यापन कराना आग के दरिया के समान है ऐसे में शिक्षक की भूमिका बनती है एक मार्गदर्शक की ऑनलाइन शिक्षण दौरान छात्रों को अभ्यासक्रम और कोई भी प्रवृत्ति की वह अच्छी तरह समझ देते हैं क्या पढ़ना है क्या लिखना है परीक्षा में कौन सा पाठ अध्ययन करना है इन सभी चीज़ों का वह सही तरह मार्गदर्शन छात्रों को देते हैं कभी शाला की कमी महसूस नहीं होने देते सुविधा प्रदान करना पाठशाला में जो भी पढ़ाया जाता है वह वीडियो या पीडीएफ बनाकर छात्रों को भेजते हैं ताकि छात्र घर बैठकर लेखन कार्य करें परीक्षा का पेपर भी सेंड कर रहे हैं जिससे बच्चों का सही मूल्यांकन हो देश की भावी का सृजन पाठशाला में होता है शिक्षक के तीन शब्द पढ़ो आगे बढ़ो और प्रगति करो इन तीन शब्दों के पीछे सर्जक मन है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और वो सारी प्रवृत्ति घर पर करवाते हैं जो शाला में होती थी पारदर्शिता पेरेंट्स के बाद जिनका स्थान आता है वह है शिक्षक जो किसी भेदभाव बिना सभी को समान तरीके से पढ़ाते हैं अभिनेता फिल्म के अभिनेता श्रोताओं को जकड़ के रखता है बस इसी तरह शिक्षक भी अपने आधे घंटे के ताश दौरान बच्चों को रस में जमाए रखता है तो इस कोरोना काल में हमें शिक्षक का नया रूप देखने को मिला सचमुच जल जाता है वह दिए की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है कुछ इसी तरह से हर शिक्षक अपना फर्ज निभाता है